एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का राजू। राजू बहुत ही चतुर और हौसला रखता था। उसकी गांव में सभी लोग यूज प्यार से चतुर राजू कहते थे। चतुर राजू की माँ एक दिन बाजार से लौटी और राजू से बोली, राजू मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या तू डॉक्टर के पास ले जा सकता है मुझे? राजू ने ट्यूरेंट आकर दिया और अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, तुम्हारी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, उन्हें बुखार की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। राजू परेशान हो गया, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। उसने अपने गांव के लोगों से पैसे इकट्ठा किए और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन राजू के पास और पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? माँ का इलाज तो हो गया है, लेकिन अब मुझे पैसे कहाँ से लाऊंगा? फिर एक दिन राजू ने एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, क्विज कंपटीशन, जीतो 1,00,000 रुपए। राजू ने सोचा कि वो अपने दिमाग और चतुराई से इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर पैसे जीत सकता है। राजू ने जल्द हाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसने सारे सवाल सही जवाब दिए और हर राउंड में आगे बढ़ते गए। एंड में सिर्फ वो ही बचा जो उसके और एक लड़के के बीच था। फाइनल राउंड का सवाल था, सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? चतुर राजू के मन में कुछ पाल सोचने के बाद वो अपना हाथ उठाकर बोला, मैं। जब राजू ने ये जवाब दिया तो ऑडियंस और जजेस हैरान हो गए, लेकिन जब राजू ने अपनी चतुराई और सोच को दिखाया तो उन्हें सारे जवाब समझ में आ गए। राजू जीत गया और 1,00,000 रुपए जीतकर अपने गांव वापस आया। उसने पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाया और उसकी माँ ठीक हो गई। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि अगर हम चतुर और सोच समझ के काम करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। चतुर राजू की कहानी हमें ये बताती है कि हिम्मत, मेहनत और सोच से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है।